भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय जय बाबा अमरनाथ बर्फानी। क्यों करते हैं लोग अमरनाथ की यात्रा? अमरनाथ यात्रा करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं वो बातें जान लेनी चाहिए। दोस्तों, एसोसिएट्स टीवी चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदुओं के प्रमुख तीर्थस्थल अमरनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। इतने जोखिम भरे होने के बावजूद भी हिंदू धर्म में इस यात्रा का बहुत महत्व है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों लोग इतने खतरे के बावजूद भी अमरनाथ की यात्रा करते हैं? आज हम आपको इस यात्रा से जुड़ी कुछ रोचक बातें, जानकारियां बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप ही सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के रोमांचक विषयों की जानकारी प्राप्त करने के लिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो को समय से प्राप्त करने के लिए नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें। अमरनाथ गुफा के पीछे का रहस्य। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। मान्यताओं के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, जिसे सुनकर सद्योजात शुक शिशु शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए थे। आज भी गुफा में श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई दे जाता है, जिन्हें श्रद्धालु अमर पक्षी बताते हैं। ये कबूतर जोड़े भी शिवजी द्वारा कथा सुनकर अमर हुए हैं। ऐसी मान्यता भी है कि जिन श्रद्धालुओं को कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है, उन्हें भगवान शिव और माँ पार्वती अपने प्रत्यक्ष दर्शनों से निहाल कर उस प्राणी को मुक्ति प्रदान करते हैं। अनंतनाग के बारे में कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान शंकर जब माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे अनेकों नागों को अनंतनाग में छोड़ा, माथे के चंदन को चंदनवाड़ी में उतारा और गले के नाग को शेषनाग नामक स्थल पर छोड़ दिया था। ये सभी स्थल आज भी अमरनाथ यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ते हैं। किसने की थी अमरनाथ गुफा की खोज? अमरनाथ गुफा का सबसे पहला पता 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बूटा मलिक नाम के एक व्यक्ति को हुआ था, जो वहां अपनी भेड़ बकरियां चराने गया था। आज भी अमरनाथ पर चढ़े हुए चढ़ावे का एक चौथाई भाग उसी परिवार के वंशजों को प्राप्त होता है। दिलचस्प बात यह है कि मुख्य गुफा मंदिर स्थल समुद्र तल से 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और राज्य के राजधानी शहर श्रीनगर से लगभग 141 किलोमीटर दूर है। कैसे पहुंच सकते हैं आप अमरनाथ गुफा? अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अमरनाथ की यात्रा बेहद कठिन है, और यह सच भी है। लेकिन इस सब के बाद भी हर साल हजारों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने के दो रास्ते हैं, एक पहलगाम होकर और दूसरा सोनमार्ग बालटाल से। श्रीनगर हवाई अड्डे और बस स्टैंड की आसान पहुँच होने के कारण अधिकांश तीर्थयात्री श्रीनगर से अपनी यात्रा शुरू करना पसंद करते हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे से लगभग 106 किलोमीटर दूर सोनमर्ग या बालटाल के लिए आप एक टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। श्रीनगर से पहलगाम की दूरी करीब 92 किलोमीटर है, आप अपनी यात्रा यहां से भी प्रारंभ कर सकते हैं। ये धार्मिक यात्रा जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा हर साल महान हिमालय में आयोजित की जाती है। अब बताते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारी कैसे करें। अमरनाथ यात्रा की तिथियों का निर्धारण अमरनाथ गुफा की देखभाल करने वाले श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड SASB द्वारा की जाती है। 2018 में यह यात्रा 28 जून से शुरू होकर 26 अगस्त तक चलती रहेगी। अमरनाथ जाने की तैयारी के दौरान विशेष देखभाल की जानी चाहिए। अमरनाथ यात्रा शुरू करने से पहले चिकित्सा फिटनेस सर्वोपरि है, इसलिए यात्रा के कुछ दिन पहले से ही आप स्वास्थ्य संबंधी तैयारियां पहले से कर लें, लंबी दूरी पर चलने का अभ्यास कर लें। यात्रा पर जाने से पहले पूर्ण और उचित दस्तावेज भी आवश्यक हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तों को पंजीकरण कराना पड़ता है। इस यात्रा में पंजीकृत होने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा अधिकृत डॉक्टर से अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लें, जो ये प्रमाणित करता है कि आप शारीरिक रूप से कठिन यात्रा के लिए उपयुक्त हैं। साथ ही यात्राओं के दौरान अपनी पहचान के लिए कोई आवश्यक दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि भी अपने साथ रख लें। सभी कागजी कार्यवाही पूर्ण होने के बाद आपको श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा अनुमति पत्र प्रदान किया जाता है, जिसका प्रयोग आपको यात्रा के दौरान करना होता है। विभक्त जो अमरनाथ यात्रा करने के इच्छुक हैं, वे इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि यात्रा करते समय आप किसी प्रकार की गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि इससे पर्यावरण दूषित होता है और भगवान शिव स्वयं प्रकृति के संरक्षण के हित में बात करते हैं। साथ ही यहाँ पर कभी कभी ऑक्सीजन की कमी भी होती है, इसलिए केवल फिट लोग ही वहाँ जाने का प्रयास करें। हम आशा करते हैं कि आपकी ये महान पावन यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो और बाबा महादेव का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। ओम नमः शिवाय।
दोस्तों, आज हमने अमरनाथ यात्रा के विषय में जाना। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए लाभदायक रही हो और आपको इस यात्रा पर जाने पर अनेक प्रकार के सुखों और बाबा के आशीर्वाद की प्राप्ति हो। अपने अगले वीडियो में हम आपके साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।